हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र टी.एस. विश्वा, जो भारत से इंग्लिश के रटन नामक संक्रमण को मिटाने का दृढ़ संकल्पित है। मेरा संकल्प आपका उद्देश्य हो सभी विद्यार्थी इंग्लिश के वर्ड को, ग्रामर को, इडियम को रटते हैं और रट्टा नंबर वन लगाते हैं, जिसको मैंने कहा R1, और वे समझते हैं कि रट्टा नंबर वन से इंग्लिश नंबर वन हो सकता है उनका, तो रट्टा नंबर वन करते हैं, जिससे हमने लिया R1। इंग्लिश नंबर वन करने के उद्देश्य से वे लोग रट्टा करते हैं, तो इंग्लिश नंबर वन से हमने लिया E1, और एक नया संक्रमण सामने आया R1E1। पूरा दुनिया H1N1 से प्रभावित है, लेकिन मेरा भारतवर्ष इंग्लिश के रटंत नामक संक्रमण R1E1 से पूर्णतः ग्रसित है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से इडियम को रटने की परंपरा को मिटाना चाहता हूँ, वर्ड को रटने की परंपरा को मिटाना चाहता हूँ, ग्रामर को रटने की परंपरा को मिटाना चाहता हूँ। मेरा संकल्प है कि भारतवर्ष से R1E1 संक्रमण को, जो इंग्लिश में व्याप्त है, उसको जड़ से मिटाना। आइए हम लोग आज इस वीडियो में प्रीपोजिशन को पढ़ के देखते हैं कैसे हमें बिना रटे और सभी कन्फ्यूजन दूर होते हैं। तो आज प्रीपोजिशन का पहला क्लास। गेट अप एट व्हाट टाइम, ऐसे सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। इन व्हिच क्लास डू यू रीड, इन से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। बाय हुम वाज द रामायण रिटन, बाय हुम से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है। तो देखा गया है कि सामान्यतः WH हाउस से जो सेंटेंस प्रारंभ होते हैं, उस परिस्थिति में प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में होता है। दूसरी बात, प्रीपोजिशन वाक्य के बीच में भी आते हैं, तो वाक्य के बीच में प्रीपोजिशन तभी आएंगे जब वे नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। जैसे There is a pen in my pocket. There is a pen in my pocket. यहाँ इन प्रीपोजिशन वाक्य के बीच में आया, क्योंकि यहाँ नाउन के पहले आ रहा है। I want to talk to you. You के पहले आया है to, अर्थात प्रोनाउन के पहले आता है। तो नाउन प्रोनाउन के पहले आए, इस कंडीशन में प्रीपोजिशन वाक्य के बीच में आता है। और जब सेंटेंस स्टार्ट होता है इंफिनिटिव से, टू प्लस गिवन, उस कंडीशन में प्रीपोजिशन आता है वाक्य के अंत में। जैसे आई हैव अ पेन टू राइट विद, यहाँ टू राइट से सेंटेंस प्रारंभ अंत हो रहा है और प्रीपोजिशन भी कहाँ आया, वाक्य के अंत में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका, देयर इज एन इन हाइड वेलन माने धर्मशाला। तो देयर इज एन इन टू लिव इन, तो टू लिव से सेंटेंस अंत हो रहा है, जिसके अंत में प्रीपोजिशन इन आया। अब लगभग 430 यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। राइट नाउ वी हैव टू लर्न द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। द फर्स्ट इज ऑफ, और इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। ए के बारे में, तो ए डिटरमाइनर के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वह आर्टिकल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह एडजेक्टिव है, और यूज के दृष्टिकोण से ए का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा आई फाउंड माई पेन और टेबल, आई फाउंड My pen or table, यहां जो और का प्रयोग किया गया, और ही on के रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात मैंने अपना पेन टेबल पर पाया। फिर आप बोलेंगे He has gone on hunting. He has gone on hunting equal to he has gone a
हंटिंग वह शिकार पर गया है। और का प्रयोग ऑन के अर्थ में होता है। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था तो बताया था कि ए एन के 6 डिफरेंट मीनिंग है, याद है ना? उसमें से ए एन का एक यह भी मीनिंग हुआ था, अर्थ हुआ है ऑन। ऑन मीन्स क्या? पर। अब ए का प्रयोग एवरी के अर्थ में, ए का प्रयोग एवरी के अर्थ में, माई फादर कम्स ट्वाइस अ मंथ, माई फादर कम्स ट्वाइस अ मंथ, मेरे पिताजी प्रत्येक माह दो बार आते हैं। यहां जो अ है वहां एवरी के सेंस में है, तो मेरे पिताजी प्रत्येक माह दो बार आते हैं। ए का प्रयोग हम लोग ऑन के भी अर्थ में देखें, एवरी के भी अर्थ में देखें। नेक्स्ट इज अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन है। सामान्यतः जाना जाता है अबाउट मीन्स के बारे में, लेकिन अबाउट का अर्थ मे के अर्थ में प्रयोग होगा, अबाउट का प्रयोग मे के अर्थ में होगा, लगभग के अर्थ में होगा, के चारों ओर के अर्थ में होगा। अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट टू के बाद आता है ही वर्ड, तो उसका भी होता है होने होने को। अबाउट का प्रयोग मे के अर्थ में कैसे करेंगे हम लोग? आई हैव डाउट, आई हैव डाउट अबाउट इट, तो आई हैव डाउट अबाउट इट, यहां इसका अर्थ होता है मुझे इसमें संदेह है। डाउट के बाद जो अबाउट आ रहा है उस अबाउट का अर्थ क्या हो रहा है? मे। आई हैव डाउट अबाउट इट, मुझे इसमें संदेह है। आई हैव डाउट अबाउट हिम, मुझे उसमें संदेह है। तो डाउट के बाद जो अबाउट आ रहा है उस अबाउट का मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे डियर? मे। फिर अबाउट का होता है लगभग, अबाउट का होता है लगभग, जैसे पटना जंक्शन इज अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, पटना जंक्शन यहां से लगभग 3 किलोमीटर है, तो अबाउट का अर्थ होता है लगभग। अबाउट का लगभग के सेंस में सभी जगह आप प्रयोग कर सकते हैं। इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजा है। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में सभी जगह हम कर सकते हैं। अबाउट का अर्थ होता है के चारों ओर, के चारों ओर, जैसे कहा जाए ड्रॉ अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल, ड्रॉ अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल, अर्थात क्या? ट्रायंगल के चारों ओर क्या करना है? सर्कल खींचना है। तो अबाउट का मीनिंग क्या होता है? के चारों ओर। अबाउट का अर्थ होगा के चारों ओर, और अबाउट का अर्थ के बारे में, जैसे वो बोलते हैं आई नो अबाउट इट, मैं इसके बारे में जानता हूं, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। अबाउट के साथ जब टू प्लस ही वन आएगा तो इसका मीनिंग होता है होने होने को। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, इसका मीनिंग क्या होगा डियर? द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट का क्या होगा? गाड़ी खुलने खुलने को है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट का मीनिंग होगा गाड़ी खुलने खुलने को है। हम लोग बोलते हैं फोन पे वी आर अबाउट टू रीच, वी आर अबाउट टू रीच, हम लोग पहुंचने पहुंचने को है या हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। पास्ट में द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट एट दैट टाइम, उस समय ट्रेन खुलने खुलने को थी। तो अबाउट टू के बाद जो भी वन आएगा इसमें अबाउट टू भी वन, इसका मीनिंग निकलता है कि कोई कार्य होने होने को है। अबाउट के प्रयोग में
अबाउट के ही अर्थ में दो चीजें आपको मिलेंगी। अबाउट का अर्थ होता है लगभग, तो अराउंड का भी होता है लगभग, और अबाउट का होता है के चारों ओर, तो अराउंड का भी होता है के चारों ओर। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, यदि हमें लगभग के अर्थ में प्रयोग करना है, लगभग के अर्थ में प्रयोग करना है किसी सेंटेंस में, और दोनों ऑप्शन है, तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? अबाउट को, और अराउंड को सेकंड प्रायोरिटी। यदि ऑप्शन में देगा पटना जंक्शन इज .3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, एक दिया है एट, एक दिया है आफ्टर, एक दिया है ऑन, और एक दिया है अराउंड, तो यहां पर हम किसका सिलेक्शन करेंगे? अराउंड का। लेकिन इसी ऑप्शन में अराउंड और अबाउट दोनों रहता, तब आप किसको प्राथमिकता देते? किसको प्रायोरिटी देते? अबाउट को देते। और के चारों ओर के अर्थ में, के चारों ओर, के चारों ओर के अर्थ में अबाउट भी रहे ऑप्शन में और अराउंड भी रहे, तो अराउंड को फर्स्ट प्रायोरिटी और अबाउट को सेकेंड प्रायोरिटी। जैसे देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स .. पटना। अब कहा जाए पटना के चारों ओर विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं, यहां ऑप्शन में अराउंड भी रहे अबाउट भी रहे, तो किसको लेंगे? किसको लेंगे? अराउंड को लेंगे। परंतु अराउंड ऑप्शन में नहीं है, एट है, इन है, अबव है, और एक है अबाउट, तो अबाउट को प्रायोरिटी देंगे। अबाउट का प्रयोग मेक अर्थ में, तो डाउट अबाउट इट, उसमें संदेह है। लगभग के अर्थ में दूर दिखाने के लिए समय के नजदीकता, संख्यात्मक भी बताना होगा, लगभग क्लास में 500 विद्यार्थी हैं, तो अबाउट के सेंस में हम लोग करेंगे प्रयोग। के चारों के अर्थ में, के बारे में, और होने होने को। फिर अबव का होता है ऊपर, अबव का होता है ऊपर, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ओवर का भी तो होता है ऊपर, फिर ऑन का भी तो होता है ऊपर, होता है ना बाबू? अवन का होता है ऊपर, ओवर का होता है ऊपर, ऑन का भी रखता है ऊपर, किसका प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? जब भी आप एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन, तो कनेक्टेड ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, आपको लगता है कि यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, इसी को बोलते हैं कनेक्टेड ऑप्शंस। वो तीनों सही होता है उस सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, लेकिन कंसेप्ट डेवलप कैसे करना है हमें, अवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में कहां करेंगे, ओवर का प्रयोग कहां करेंगे, ऑन का प्रयोग कहां करेंगे। फिर आप देखेंगे एलॉन्ग का भी होता है पर, एट का भी होता है पर के अर्थ में सभी ये चारों पांचों प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन डिफरेंस है दोनों में, चारों पांचों में, अबव ऊपर। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पॉइंट कॉन्टेक्ट हो और पॉइंट से कॉन्टेक्ट हो और ऊपर में, वो हमेशा क्या करते रहे? फ्लक्चुएट करते रहे, हमेशा फ्लक्चुएट करते रहे। तो जितना भी सेंटेंस हमें बनाना है, जहां भी प्रयोग करना है, अवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में जहां भी करना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रहे कि जो चीज ऊपर है वह कहीं से कनेक्टेड है, पॉइंट कॉन्टेक्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं पॉइंट कॉन्टेक्ट, लेकिन वह हमेशा कैसा होगा? ऊपर फ्लक्चुएट होते रहेगा। जैसे आप देखेंगे पानी खतरे के निशान से ऊपर है,
पानी खतरे के निशान से ऊपर है, वाटर इज अबव द डेंजर मार्क। अबव का प्रयोग क्यों करेंगे वहां, क्योंकि वह एक पॉइंट से देखा जा रहा है उसका स्तर कि ज्यादा है कि कम है। और दूसरी कारण क्या है, दूसरी कारण यह है कि वह पानी का जो लेवल है वह कांस्टेंट नहीं है, वह फ्लक्चुएटिंग मोड में। अब हो सकता है कि और भी हाई चला जाए और हो सकता है कि और भी लो आ जाए। तो वे सारी चीजें जहां ऊपर के अर्थ में फ्लक्चुएटिंग मोड में रहे तो वहां पे हम लोग ऊपर के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, अवन का प्रयोग करेंगे। चिड़िया हम लोग के सर के ऊपर उड़ रही है, तो बर्ड इज फ्लाइंग अबव आवर हेड। वह क्लास में सबसे ऊपर है, तो ही इज अबव ऑल इन हिज क्लास। वह क्लास में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, तो ही इज अबव ऑल इन हिज क्लास। अबव ऑल क्यों होगा, ओवरऑल क्यों नहीं होगा, ऑन ऑल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता हमेशा कांस्टेंट नहीं है। दूसरे विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो वे उस स्थान को प्राप्त करते हैं, उससे ऊंचे भी जा सकते हैं। तो जहां भी आपको लगे कि ऊपर के अर्थ में वह कांस्टेंट नहीं है, वह हमेशा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंसेक्स 25,000 से ऊपर है, यहां भी ऊपर के अर्थ में आपको किसका प्रयोग करना होगा, अवन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वह भी फ्लक्चुएटिंग मोड में है और ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है। तो यहां से रहे कि वह किसी एक पॉइंट से ऊपर उठा है और ऊपर में कांस्टेंट नहीं है, वह हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएट होते रहता है। ओवर का प्रयोग हम लोग ऊपर के अर्थ में कहां करेंगे, तो इसके लिए भी दो तीन शर्त है। पहली शर्त, ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में यह हॉरिजेंटल होना चाहिए, कोई भी चीज यदि किसी चीज के ऊपर है तो जो ऊपर है वह क्या हो, हॉरिजेंटल मोड में हो। हॉरिजेंटल इस कंडीशन को ही बोल सकते हैं, इस कंडीशन को बोल सकते हैं जो 36 आकार का हो, हॉरिजेंटल हो। दूसरा शब्द क्या है कि जिसके ऊपर हो उससे उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो, नॉट सरफेस कॉन्टेक्ट। दूसरी शर्त क्या हो गई, नॉट सरफेस कॉन्टेक्ट, सरफेस से उसके ऊपर का कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि वह कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। जहां ये तीनों शर्तें फुलफिल हो रही है उन तमाम जगहों पे, तमाम सेंटेंस में आप ओवर का प्रयोग करेंगे, आप बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं ठहरा सकता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक बार और कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि वो हॉरिजेंटल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जिसके ऊपर है उस चीज से उसका सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो ऊपर में है वह कॉन्स्टेंट होना चाहिए। जैसे हमारे सर के ऊपर छत है, तो हमारे सर के ऊपर छत है, क्या हमारे सर से इसका सरफेस कॉन्टेक्ट है, पहला शर्त फुलफिल हुआ, यह हॉरिजेंटल है या नहीं है, हॉरिजेंटल है। और यहां से वह हमेशा कॉन्स्टेंट है कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो कॉन्स्टेंट है, हॉरिजेंटल है और सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। नदी पर पुल है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि वो भी जो पुल है वह क्या है, कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएटिंग मोड में नहीं है कि मैक्सिमम हाई चल जाएगा उठकर के अपने से मिनिमम नीचे आ जाएगा, हो सकता है क्या, कभी हो सकता है। और वो हॉरिजेंटल भी है और पानी से उसका सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं है, जल के सरफेस से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो इन तमाम जगहों पे
ऊपर के लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल हो, कांस्टेंट हो और जिसके ऊपर हो उससे उसका सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं। ऑन का भी होता है ऊपर, तो ऑन का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग? ऑन का प्रयोग कहां करेंगे? जैसे इसके लिए शर्त है सरफेस कॉन्टेक्ट एंड कांस्टेंट। यह टेबल है यदि और इस पर कोई वस्तु है तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर दो ही शर्त होना चाहिए, सरफेस कॉन्टेक्ट भी होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहला शर्त क्या है? सरफेस कॉन्टेक्ट। और दूसरी शर्त है कि वह वस्तु क्या हो? कांस्टेंट हो। देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, तो टेबल पर पेन है वह कांस्टेंट है या नहीं है? है ना? और दोनों का सरफेस क्या है? एक दूसरे से कांटेक्ट में। अब हम लोग अवक का प्रयोग, तो चिड़िया आकाश में माने हमारे शरीर के ऊपर उड़ रही है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वह क्लास में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है तो किसका प्रयोग करेंगे? सबसे ऊपर है तो अवक का प्रयोग करेंगे। पंखा हमारे शरीर के ऊपर है तो क्या करेंगे? अवक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो भी फ्लक्चुएटिंग मोड में ही चलता है। और ओवर का प्रयोग कहां करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल हो, कांस्टेंट हो और हमारे दूसरे उसका भी कॉन्टेक्ट नहीं हो। और ऑन का प्रयोग वहां करेंगे जहां पे क्या हो? सरफेस कॉन्टेक्ट हो, सरफेस कॉन्टेक्ट हो और वह वस्तु वहां पे कांस्टेंट हो। लेकिन मैं छत पर घूम रहा हूं, आई एम वॉकिंग ऑन द रूफ, ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि सरफेस कॉन्टेक्ट है और आप वहां पर क्या है? कांस्टेंट नहीं है, आप चल रहे हैं, लेकिन उसका छत का जो क्या है एरिया वो लिमिट है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम लोग ऑन का ही यूज करेंगे। अलोंग का भी होता है, पर मैं रोड पर खड़ा हूं तो आई एम एक्सटेंडिंग क्या? अलोंग द रोड। वह रोड पे चल रहा है तो ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह रोड पे दौड़ रहा है, ही इज रनिंग अलोंग द रोड। वहां पर क्लास में ना ओवर होगा, ना ऑन होगा और ना ही अबव होगा। एट माने भी होता है पर, लेकिन एट का मतलब होता है पर के आसपास। वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर खड़ा है। यहां पर का अर्थ ऑन से है क्या? ऑन का प्रयोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ओवर का भी प्रयोग नहीं करेंगे, अबव का भी प्रयोग नहीं करेंगे, अलोंग का भी प्रयोग नहीं करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एट का होता है पर के आसपास। ही स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर है, एट द गेट, वह दरवाजे पे खड़ा है, अर्थात उसके आसपास है। अलोंग का प्रयोग कहां बताया गया आपको? पर, लेकिन क्या? किनारे किनारे। ऑन का प्रयोग सरफेस कॉन्टेक्ट एंड कांस्टेंट के लिए, ओवर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल हो लेकिन उससे सरफेस कॉन्टेक्ट नहीं हो और वो क्या हो? और अबव का प्रयोग जो फ्लक्चुएटिंग मोड में रहता है ऊपर, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? अबव का प्रयोग।